Assalamu alaikum. This is Danish Khalil, Enablers Ambassador for Karachi. Aaj hum ek nayi series start karne ja rahe hain. It's about my journey with Enablers. Episode number one. And today we have Ali Rizwan from Karachi. Ye hamare VA batch 5 ke student hain Enablers ke. Aur basically aaj ye hame ye batayenge कि इनकी इनेबलर्स के साथ जर्नी कैसी रही और इन्होंने जब इनेबलर्स को ज्वाइन किया तो ये किस पोजीशन पे थे, क्या कर रहे थे अपनी जिंदगी में और आज 4 से 5 महीने गुजरने के बाद ये क्या कर रहे हैं और थ्रू आउट जर्नी में इन्होंने क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या अचीव किया, इस हवाले से हमें थोड़ा सा ये ब्रीफ बताएंगे और अपनी जर्नी थ्रू आउट जो इनेबलर्स के साथ रही उसको थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे. So, assalamu alaikum, Ali Rizwan. Welcome to this session. कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम सर दानिश, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं. So, since we have quite huge community in our Facebook group और बाकी काफी सारे लोग आपको देख रहे होंगे. So, Ali Rizwan, आप ये बताना चाहोगे अपने बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करो कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप क्या करते हो और ये जो VA का कोर्स था इसको स्टार्ट करने से पहले आप क्या कर रहे होते थे और अपनी थोड़ी सी ब्रीफ एक एक्सप्लेनेशन जस्ट बताना चाहो इनेबलर्स के साथ जो आपका स्टार्ट हुआ. ठीक है सर. As far as my academic background is concerned, I've done O levels, A levels, BBA, and MBA, and I'm currently doing MBA in marketing from Zebest. So, enablers में आने से पहले मैंने जो अगर मैं अपनी professional life के हवाले से बात करूँ तो दो तीन चीज़ें थी जो मैं try out कर चुका था. For example, मैंने एक private company थी, private firm थी, उसमें मैंने job की थी. उसके बाद फिर एक fabric से related जो है वो मैंने business भी start किया था, लेकिन obviously due to some reasons I was not able to succeed in that. लेकिन okay. फिर enablers का platform जो है वो मेरे एक father के friend है, उनके through जो है वो मेरे सामने आया. ठीक है, उसके उन्होंने मुझे recommend किया कि that I should go for this type of course and then we would see that how can we can go about in future. तो उसके बाद फिर मैंने enablers के ऊपर थोड़ी सी research की है. मैंने जो जो इनकी community थी e-commerce by enablers की वो मैंने ज्वाइन की. कुछ टाइम तक मैं उस पेज पर जो पोस्ट थी, जो सक्सेस स्टोरीज थी, उनको मैं थोड़ा सा रिव्यू करता रहा. उसके बाद देन आई फाइनली मेड द डिसीजन टू ज्वाइन इनेबलर्स एंड इट वाज इन अगस्त दैट द बैच 5 स्टार्टेड. आई पेड द फीस एंड टुक द एडमिशन इन द कोर्स ऑफ VA एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी विद इनेबलर्स. ओके ग्रेट. सो जब आपने इनेबलर्स का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन किया और ज्वाइन करने लगे तो उस वक्त क्या थॉट प्रोसेस था, क्या सोच रहे थे, क्या प्लानिंग्स थी और उस कोर्स से एक्सपेक्टेशंस क्या थी और कितनी मीट हुई आपकी? सर ऑब्वियसली अगर मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट उस टाइम जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उस लेवल की नहीं थी ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ी सी थोड़े से डाउट्स भी थे माइंड में कि पता नहीं किस टाइप का कोर्स है. ऑब्वियसली रिसर्च तो थोड़ी थी लेकिन जब प्रैक्टिकल आप किसी भी चीज में आते हैं तो इट डिपेंड्स के हाउ यू गो अबाउट इट एंड वेदर यू विल सक्सीड इन इट और नॉट. तो जब कोर्स स्टार्ट हुआ तो टाइम टू टाइम चीजें थोड़ी सी बहुत समझ भी आने लगी और फिर जो बेस्ट पार्ट था जो मेंटोर्स थे यहाँ पर या जो भी इनेबलर्स की मैनेजमेंट है, द बेस्ट पार्ट इज दैट दे कीप पुशिंग देयर स्टूडेंट्स, दे कीप मोटिवेटिंग देम. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ा के जो है ना उनको बस उन्हीं के हाल पे छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है बस पढ़ा दिया हमारा काम कंप्लीट हो गया. अब स्टूडेंट्स वो करते हैं नहीं करते वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. इट्स टोटली नॉट लाइक दैट. द मेंटोर्स वर क्वाइट सपोर्टिव, इनफैक्ट वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माई जर्नी इनेबलर्स जब तक मेरा कोर्स चल रहा था एंड दे केप्ट पुशिंग मी एंड दे केप्ट यू नो गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम मी वेदर हाउ मतलब मैं किस तरीके से इसमें प्रोसीड कर रहा हूँ, कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई भी इशूज अगर फेस कर रहा हूँ. और अगर कोई इशूज आते भी थे तो मैंटोर्स थे यहाँ पे, सपोर्ट टीम के कुछ मेम्बर्स होते हैं जो हमारे इशूज को रिजोल्व करते थे. तो जब थोड़ा सा टाइम आगे हुआ, जब कोर्स काफ़ी क्लासेस हमारी हो गई तो मेरा इंटरेस्ट लेवल भी काफ़ी इस फील्ड में, इस कोर्स में और जो ये इस रिलेटेड जो हम करियर परस्यू कर सकते थे उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ था. और उसकी वजह भी है कि दिस वाज दी बेसिकली दिस वाज द काइंड ऑफ जॉब दैट आई वाज लुकिंग फॉर. इन दिस VA कोर्स यू वर्क विद डिफरेंट क्लाइंट्स. ऑब्वियसली व्हेन यू लर्न एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग बट व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग
यू हैव टू वर्क विद डिफरेंट क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स, सो इट्स टोटली अ न्यू एक्सपीरियंस एवरी टाइम. सो दिस इज हाउ माय इंटरेस्ट डेवलप्ड एंड दिस इज हाउ द जर्नी वेंट ऑन व्हेन आई स्टार्टेड. अच्छा, बहुत से लोगों का ना अली रिजवान सवाल होता है, खास तौर पे जो बीए के कोर्स में हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कि कितनी जल्दी आप इनकम स्ट्रीम पे चले जाते हो, कितनी जल्दी आपको पहला क्लाइंट मिल जाता है, और क्लाइंट को हासिल करने के लिए क्या एफर्ट्स शुरू में करनी होती हैं, और आपका स्किल सेट कितना इसमें इंपॉर्टेंट और मैटर करता है, आपकी खुद की लर्निंग, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें कितना मैटर करती हैं फर्स्ट क्लाइंट को गैदर करने में, एंड हाउ इनेबलर्स एंड द मेंटर्स एक्चुअली हेल्प यू आउट इन दिस थिंग, कि कैसे आपने इसको किया मैंने. ठीक है सर, जब भी कोई क्लाइंट अगर आपको, फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए या क्लाइंट को ढूंढने के लिए ना, आपका सबसे पहले स्किल सेट, ठीक है, आपकी डेडिकेशन जो है वो दिखनी चाहिए सामने. ऑब्वियसली अगर आपको कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता भी है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या वो आपके पास स्किल सेट नहीं है या आपके पास उसको उससे बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ यू विल लूज अ पोटेंशियल क्लाइंट. ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपनी स्किल सेट को इतना डेवलप करना है, अपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को उस लेवल तक लेके जाना है कि आपको कोई भी क्लाइंट अगर मिलता है ना, तो यू शुड हैव द गट्स टू प्रेजेंट योर स्किल्स इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर. ठीक है, अब क्लाइंट को, अब मैं अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे जो फर्स्ट क्लाइंट मिले थे वो ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स का जो पेज है, वहां पे उन्होंने पोस्ट किया था कि दैट ही नीड्स फ्रेश वीए फॉर हिज होलसेल बिजनेस. तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया. ऑब्वियसली अच्छा, मैं ये थोड़ी सी छोटी टीप सी स्टोरी वो मैं शेयर करता हूँ कि जब वो उनकी पहली पोस्ट आई थी ना, तो उस पोस्ट पे ऑलमोस्ट 100 कमेंट्स थे जब वो पोस्ट मेरी नजर के सामने से गुजरी. तो मैंने उस पोस्ट को स्किप कर दिया. मैंने सोचा कि ये 100 कमेंट्स तो पहले से ही आ गए हैं उसमें, तो मैं मतलब कमेंट कर भी दूंगा तो आई डोंट थिंक दैट ही वुड कॉन्टैक्ट मी. तो मैंने वो पोस्ट स्किप की, लेकिन फिर स्किप करने के बाद कुछ टाइम बाद मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी फीलिंग आई कि मैंने कहा कमेंट कर देते हैं क्या जा रहा है, क्या पता मतलब कॉन्टैक्ट कर लें शायद. एंड बिलीव मी दैट आफ्टर आई कमेंटेड ऑन दैट पोस्ट, आफ्टर 10 मिनट्स आई गॉट द मैसेज फ्रॉम दैट पर्सन. और उनसे फिर मैंने बात की, मेरी उनसे कॉल पे बात हुई, तो उनसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये था कि मेरी उनसे डील डन हो गई. एंड नाउ अलोंग विद दैट होलसेल बिजनेस दैट इज डूइंग नाउ इज माय परमानेंट क्लाइंट. सो ऑब्वियसली आपका अगर स्किल सेट है, आप अगर आप क्लाइंट आपको एक्सेप्ट कर भी लेता है या आपको बोल देता है कि ठीक है दैट वी वुड वर्क टुगेदर, तो अगर आप उसको परफॉर्म नहीं करके दोगे और अगर आप उसको अपना स्किल सेट शो नहीं करोगे, उसको अपनी स्किल्स को प्रूव नहीं करेंगे, तो यू माइट लूज अ पोटेंशियल क्लाइंट. और यही चीज मेरे साथ भी हुई थी कि जब मैंने क्लाइंट के साथ काम किया तो इट गेव मी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज वर्क टुगेदर. तो अगर आप उसको परफॉर्म नहीं करके दोगे और अगर आप उसको अपना स्किल सेट शो नहीं करोगे, उसको अपनी स्किल्स. ओके, परफेक्ट. सो एनीथिंग एल्स, जो कोई मैसेज आप न्यू करंट बैच के वीए स्टूडेंट्स को देना चाहें? सबके कॉन्फिडेंस थोड़े शेकी होते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, प्रोडक्ट अप्रूव नहीं हो रही, क्लाइंट नहीं मिल रहा. प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसे हासिल किया जाए? और आपको, सिंस यू आर पार्ट ऑफ इनेबलर्स कराची ऑफिस एज वेल, आपको यहाँ इंटर्नशिप भी ऑफर हुई थी, तो आपको वो इंटर्नशिप का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा लगा और उसका जो पूरा पैटर्न था जो अडॉप्ट किया गया और उसमें जो थ्रू आउट आपने अपने आप को देखा कि हाउ यू एक्चुअली वेंट थ्रू और बीइंग सिलेक्टेड एंड यू नो वो पूरा जो प्रोसेस था वो कैसा लगा आपको, और उसके बारे में कोई शॉर्ट सी आप अपनी डिस्क्रिप्शन या स्टोरी शेयर करें कि आपको कैसा लगा वो प्रोसेस. श्योर सर. सर जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था वीए बैच 5 का, तो हमें ये बताया गया था कि ऑब्वियसली जब भी कोई बैच कंप्लीट होता है तो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज आती हैं इनेबलर्स में. तो आई वॉज लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो जब इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज आई तो फिर मैंने जो भी ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन थी वो मैंने फिल की, और उसके बाद इंटर्नशिप की जो इंटरव्यू था उसके लिए हमें कॉल आई थी. तो जब इंटरव्यू मैंने दिया, तो उसके बाद जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, इंटर्नशिप स्टार्ट, अब जो इंटर्नशिप के इंटरव्यू थे वो टोटल मेरिट बेस्ड थे. उसकी वजह यह है कि जिस बंदे ने हमारा इंटरव्यू लिया था वो थे तो इनेबल्ड, लेकिन उनसे हमारी इंटरेक्शन कभी नहीं हुई थी. तो ऑब्वियसली फेवरेटिज्म वाला जो है ना वो यहाँ पे आपकी आवाज चली गई है थोड़ी. सर अब आ रही है? थोड़ा सा और करीब करें सर. अब सही आ रही है?
कंटिन्यू करें। ठीक है जी जी तो टोटल मेरिट बेस्ड इंटर्नशिप के इंटरव्यूज थे वो, जिन जिन्होंने इंटरव्यू लिया था हमारा, वो ऑब्वियसली थे तो इनेबलर्स का पार्ट ही, लेकिन हमारी उनसे कभी इंटरेक्शन हुई नहीं थी। तो ऑब्वियसली कभी कभार लोगों के दिमाग में होता है कि शायद कोई टीचर है उनके या स्टूडेंट, तो वो टीचर जो है या मेंटोर जो है वो अपने स्टूडेंट को फेवरेटिज्म, मतलब फेवरेटिज्म की बेसिस पे उनको सिलेक्ट कर लिया। तो ऑब्वियसली दैट वॉज नॉट द केस इन इनेबलर्स, इन इनेबलर्स तो वो जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, फिर सिलेक्शन हुई। फिर उसके बाद ऑब्वियसली हुआ ये था कि जो मेरी स्किल्स थी या जो भी मैं परफॉर्म कर रहा था उसकी बेसिस पर मुझे इंटर्नशिप से जो है वो सपोर्ट टीम में भी की भी जो है ना वो ऑफर आई थी। सरदानी जो मेंटोर हैं, जैसे मतलब जो आप हैं, उन्होंने मतलब फिर मुझे इंटर्नशिप से लेकर जो है मुझे अपनी सपोर्ट टीम का भी मेंबर की ऑफर दी। और ऑब्वियसली अब मैंने जब बैक इन ऑगस्ट जब मैंने इनेबलर्स ज्वाइन किया था, उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मतलब कुछ टाइम बाद या 4-5 महीने के बाद आई वुड बी इनेबलिंग अदर स्टूडेंट्स। तो इस इंटर्नशिप और इस सपोर्ट टीम का पार्ट होने के बाद मैं काफी 1-to-1 स्टूडेंट्स है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैं SSM की ड्यूटीज भी, स्टूडेंट स्टेटस मैनेजर, वो भी परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली विद 1-to-1 क्लाइंट्स आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट लॉन्चेस ऑफ दो स्टूडेंट्स टू। सो ओवरऑल इट हैज बीन अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी राइट नाउ, अप टिल नाउ। अच्छा, जब आपने इनेबलर्स को अप्रोच किया होगा, फीस दी होगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरे होंगे, उस वक्त आपने क्या ये सोचा था कि यार एक दिन मैं 4-5 महीने के बाद मैं खुद एक उस जगह होऊंगा जहां मैं मेंटोर्स को और बाकी लोगों को देखता हूँ, सपोर्ट टीम को देखता हूँ, 4 से 5 महीने बाद मैं ऐसी पोजिशन पे होऊंगा कि मैं कुछ मजीद स्टूडेंट्स को इनेबल कर रहा हूँ जैसे मुझे आज इनेबल किया जा रहा है, 4-5 महीने बाद मैं खुद दूसरों को इनेबल कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस कैसा लगा आपको कि एक चेन बन रही है इनेबल करने की, ये चेन कैसी लग रही है आपको? सर, सबसे पहले तो ये कि जब इनेबलर ज्वाइन किया था जब, तो ऑब्वियसली ये चीज़ बिल्कुल भी माइंड में नहीं थी कि मैं एक टाइम पर जो है वो दूसरों को इनेबल करूंगा। लेकिन ऑब्वियसली कहते हैं कि मतलब कहते हैं ना कि योर हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो वो यही है कि मतलब जब आप अपनी स्किल्स को शो करते हैं, अपने जो भी आपकी मतलब आप अगर मेहनत करते हैं ऑब्वियसली, तो आपको वो सामने वाले बंदे को वो चीज़ दिखती है। तो ऑब्वियसली जब वो आप लोगों को या नेबर्स के मैनेजमेंट को वो देखी, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी इसकी, तो उसको फिर मैंने उसको प्रूफ भी किया। तो ये जो सारा प्रोसेस है ना, इसमें नए स्टूडेंट्स को भी एक ये मैसेज है कि इसमें अगर आप हार्डवर्क करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे और अपना स्किल सेट जो है वो प्रूफ करते रहेंगे, अपनी स्किल्स को प्रूफ करते रहेंगे, डेफिनेटली यू वुड ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो जब स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली बैच में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मोर देन 100 स्टूडेंट्स होते हैं अगर हम VA की बात करें, VA बैच 5 की अगर मैं बात करूँ, मोर देन 100 स्टूडेंट्स थे। तो ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिडंट थॉट के मतलब मुझे भी मतलब आउट ऑफ दोस 100 मुझे भी उन टॉप 5 या टॉप 4 में सेलेक्ट करके मुझे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। लेकिन इट हैज़ बीन अ वेरी फ्रूटफुल जर्नी फॉर मी और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बैच 6 के हैं या और भी लोग हैं जिनको मैं हेल्प आउट करता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है सर। परफेक्ट। थ्रू आउट योर जर्नी माशाल्लाह से आपने काफ़ी चीज़ें अभी एक्सप्लेन की, काफ़ी चीज़ें बताई, आपने इतना कुछ गेन किया। सो क्या आपने इस प्रोसेस में कहीं ये चीज़ देखी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग, या किस तरह से प्रैक्टिकल सिचुएशंस को डील करना है, इन इन चीजों के हवाले से आपको कोई नॉलेज, कोई हेल्प आउट, कोई सपोर्ट, कोई गाइडेंस मिलती रही थ्रू आउट द प्रोसेस, या आपने खुद ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था माशाल्लाह से? बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, दैट्स व्हाई यू परफॉर्म सो वेल। क्या अलग था आप में और बाकी उन 99 लोगों में या 90 लोगों में जो आप में था और उनमें शायद उस चीज की थोड़ी कमी थी, या वो ऑब्वियसली मेरिट के बेसिस पे वो उसका पार्ट ना बन सके, तो आप में क्या ऐसा स्पेशल वो फैक्टर था या वो एक्स फैक्टर था बेसिकली जिसके बेसिस पे हमने आपको सिलेक्ट किया? सर, अभी मैं सिंस आई एम अ पार्ट ऑफ इनेबलर्स नाउ, तो मैंने एक चीज ये एक्सपीरियंस की कि काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज ये है कि दैट इनेबलर्स वुड बी स्पून फीडिंग देम। तो ये एक थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है ऑब्वियसली कि इनेबलर्स में आपको सारी कोर्स की जो भी बेसिक्स हैं या कोर्स के जो भी कंटेंट है ऑब्वियसली वो तो आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन आपको अदर देन दैट यू हैव टू डू एफर्ट्स फॉर योर सेल्फ।
आपको एफर्ट्स ऑब्वियसली जो आपको इनेबलर्स में पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा भी आपने घर जाके उसको मतलब रिव्यू करना है, या आपने उसकी क्या कहते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं, EVS है, आपने उसको गो थ्रू करना है, अपने स्किल सेट को डेवलप करना है। इनेबलर से ही आप ये सारी चीज अगर एक्सेप्ट करें, मतलब एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे सब चीजें इनेबलर ही घोल के पिला दे, तो ऑब्वियसली दैट कुड नॉट डू इट फॉर यू। आपको थोड़ी सी एक्सपर्ट्स करनी पड़ती है, थोड़ी सी लर्निंग आपको अपनी खुद भी मतलब आउटसाइड इनेबलर्स आपको गेन करनी पड़ती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस हैं, EVS का एक्सेस है आपके पास, अगर आपको अगर आप BA का कोर्स करें तो EVS पे तो PL है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, ईबे है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वहां से चीजें सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको VA में, अगर मैं एक VA की बात करूँ, अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग की चीज नहीं समझ आई तो आप उस चीज को फॉर दैट टाइम आप उसको स्किप करके दूसरी चीज पर मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन मतलब रुकना नहीं है ऑब्वियसली। आपने अगर आप एक जर्नी आपने सिलेक्ट कर ली है कि मैंने इस मतलब ये मैंने करियर परस्यू करना है, तो ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव टू स्टॉप। आपको मतलब कंटिन्यूस लर्निंग आपकी चलती रहनी चाहिए, एंड दैट वुड शो हाउ यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स, और जो भी आप उनके लिए काम करते हैं ऑब्वियसली वो फिर क्लाइंट को नजर आता है इन फ्यूचर। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है जी, ठीक है यार, थैंक यू सो मच अली रिजवान फॉर एक्सप्लेनिंग योर कंप्लीट जर्नी विद अस। माशाल्लाह से काफी सक्सेसफुल और काफी मोटिवेटिंग जर्नी रही आपकी, और आई थिंक काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन है कि बहुत से स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं या वो एक्स्ट्रा वो एफर्ट नहीं पुट इन करते जिसकी जरूरत होती है। थोड़ा सा पुश खुद भी करना पड़ता है, ज्यादातर पुश तो हम स्टूडेंट्स को करते हैं, लेकिन आपको खुद भी अपने आप को थोड़ा सा यू नो यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने अपने खुद पे यकीन, एतमाद होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है। उसी से पुश मिलती है, उसी से गेयर लगता है, फिर वो ड्रैग होते हैं, फिर ड्राइव होते हैं, दिस इज हाउ यू गो अहेड। अगर आप सिर्फ इसी इंतजार में बैठे रहेंगे कि हमें कोई आए और पुश करे तो वो नहीं होता है। थोड़ा सा सेल्फ स्टार्टर होना पड़ता है आपको इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग बेटर, बिगर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो थैंक यू सो मच अली रिजवान, आज आपने थोड़ा टाइम निकाला और एक्सप्लेन किया अपनी कंप्लीट जर्नी विद इनेबलर्स माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच अरे, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।